हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। आज मैं आपको ट्विंस प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहली बात कि जैसे ही आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही स्टार्ट होती है, यानी कि सातवां, आठवां और नौवां महीना, आपका पेट बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट कर देता है एंड आपका वजन भी बहुत तेजी से बढ़ता है, जिस वजह से आपको तीसरी तिमाही में बहुत जल्दी जल्दी थकान होने लगती है एंड आप नोटिस करेंगे कि आप थोड़े से ही काम करने पे बहुत जल्दी थक जाएंगी, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जो आपका शरीर होता है उसको आपको और आपके दोनों बेबी को पालने के लिए एंड उनको पोषण देने के लिए बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बट आपको याद रखना है कि तीसरी तिमाही में आप जो भी काम करें थोड़ा सा लिमिट में करें, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग करें, बहुत ज्यादा काम नहीं करना है। इस तिमाही में आपको अपने आप को आराम जरूर देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको तीसरी तिमाही में कोई भी दिक्कत होती है या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर पूछें कि आपको कब तक काम करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। तीसरी तिमाही में आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट होता है, तो आप ध्यान रखें कि आपको अनहेल्दी चीजों से अपना वजन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, क्योंकि अगर आप अपना वेट बहुत ज्यादा कर लेती हैं तो इससे क्या होगा कि आपके जो बेबी होंगे उनका वजन कम रहेगा, जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। तो इसलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। और इस पर मेरा एक प्रॉपर वीडियो है कि ट्विंस प्रेगनेंसी में आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कितना वेट गेन करना चाहिए, आप उसको एक बार जरूर देखें और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और आप एक बात बहुत ही अच्छे से समझ लें, जैसे ही आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही लगती है तो इस तिमाही में डॉक्टर आपकी एक से ज्यादा बार भी चेकअप कर सकते हैं एंड आपके जो है अल्ट्रासाउंड भी हो सकते हैं। इस तिमाही में जो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उसमें डॉक्टर आपके बेबी का डेवलपमेंट देखते हैं कि सही से हो रहा है या नहीं एंड इसके अलावा एमनियोटिक द्रव देखा जाता है, मतलब जिसमें बेबी रहते हैं वो ठीक है या नहीं। इसलिए आपको अगर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो आप जरूर करवाएं। और इसके अलावा अगर आपको डॉक्टर कोई अदर टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं तो आप उन्हें भी जरूर करवाएं, जिसमें डॉक्टर आपके बच्चे की दिल की धड़कन की जांच भी कर सकते हैं और वे कैसे चल रहे हैं आपकी प्रेगनेंसी के टाइम के अकॉर्डिंग, ये भी चीज बिल्कुल देख सकते हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और तीसरी तिमाही में जैसे जैसे आपका टाइम नजदीक आता है तो डॉक्टर आपको वीक्स में एक बार या फिर आपको दो बार भी चेकअप के लिए बुला सकते हैं। वो आपकी प्रेगनेंसी पे डिपेंड करता है कि आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो नहीं है या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। और जैसे जैसे आपका टाइम नजदीक आए तो आप अपने डॉक्टर से आप लेबर पेन और डिलीवरी के बारे में कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो आप उनसे जरूर पूछें। और आप एक बात स्पेशली ध्यान रखें कि ट्विंस प्रेगनेंसी में 37 वीक से पहले डिलीवरी होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, इसलिए आपको जहां भी डिलीवरी करवानी हो तो आप पहले से ही सारी जानकारी जरूर रखें, ताकि आपको इमरजेंसी में अगर कोई भी दर्द वगैरह स्टार्ट होते हैं तो आप तुरंत ही डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंच पाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी के दौरान 37 वीक से पहले लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं तो ऐसे में आपको डॉक्टर बेड रेस्ट भी बोल सकते हैं एंड इसके अलावा डॉक्टर जो है आपके लेबर पेन को रोकने की भी बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं एंड इसके लिए वो आपको दवा भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आपके लेबर पेन नहीं रोके जा सकते हैं तो ऐसे में डॉक्टर आपको आपके जो बेबी के फेफड़े होते हैं उनको पूरी तरह मैच्योर होने के लिए बिल्कुल दवाएं दे सकते हैं और जो अदर प्रॉब्लम होती है जन्म के बाद उनकी संभावना को भी ये दवाएं बिल्कुल कम कर सकती हैं। अब हम आपको लेबर पेन के कुछ लक्षण बताने वाले हैं, जिनको आप बहुत ही ध्यान से सुने। अगर आपके 37 वीक से पहले स्टार्ट हो तो बहुत ही आसानी से आप उनको पहचान सकें। तो लेबर पेन का जो सबसे पहला लक्षण होता है, आपको हर घंटे 4-5 से भी ज्यादा बार कॉन्ट्रैक्शन होना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आपको एकदम से दर्द आएगा, फिर चला जाएगा, फिर एकदम से दर्द आएगा, फिर चला जाएगा, तो इसी को ही कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। और दूसरा लक्षण है कि आपके पेट में लगातार दर्द होना, जो कि दूर ही नहीं होता है। और तीसरा लक्षण है आपके पेट में ऐंठन होना, ठीक उसी तरह जो कि पीरियड्स के टाइम पर होती है। और इसके अलावा आपके पीठ के निचले हिस्से में लगातार दर्द होना और आपको लूज मोशन भी स्टार्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना या फिर ब्लड के स्पॉट आना और आपके प्राइवेट पार्ट से निकलने वाले डिस्चार्ज का कलर भी बदल जाना। तो अगर आपको ये लक्षण महसूस होते हैं तो आप हॉस्पिटल जाने में बिल्कुल भी देरी ना करें। और जिन महिलाओं को ट्विंस प्रेगनेंसी के दौरान
प्रीक्लेमेप्सिया की शिकायत रहती है तो उनकी जो प्रेगनेंसी होती है उसमें और भी ज्यादा रिस्क हो जाते हैं। आपको ट्विंस प्रेगनेंसी की स्पेशली तीसरी तिमाही में इस बात का जरूर पता करना है कि आपके अंदर प्रीक्लेमेप्सिया के लक्षण तो नहीं है, जैसे कि आपका हाई ब्लड प्रेशर रहना या फिर आपकी यूरिन में प्रोटीन की मात्रा का बढ़ जाना, अचानक से आपके हाथ पैर और चेहरे पर सूजन आ जाना एंड इसके अलावा आपको धुंधला दिखाई देना एंड आपके बहुत तेजी से सर में दर्द होना एंड आपको चक्कर आना। अगर आपके अंदर ये लक्षण है तो जो आपकी प्रेगनेंसी है वो प्रीक्लेमेप्सिया की वजह से बहुत ज्यादा हाई रिस्क हो जाती है। और याद रखें, अगर आपके अंदर टाइम से पहले लेबर पेन या फिर प्रीक्लेमेप्सिया के लक्षण पाए जाते हैं तो आपको डॉक्टर बिल्कुल बेड रेस्ट के लिए बोल सकते हैं। आप ध्यान रखें, बेड रेस्ट भी दो तरीके का होता है, एक होता है हर समय बेड पर लेटे रहना और एक होता है थोड़ी थोड़ी देर बाद आराम करना। तो जैसा भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करें आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो आप डॉक्टर की बात जरूर माने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप ट्विंस प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में जरूर ध्यान रखें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।